हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेहत और लाइफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइफाइड बुखार के कारण, लक्षण और इलाज के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। टाइफाइड बुखार एक संक्रमण है, यानी कि एक इन्फेक्शन है, जो कि दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। अगर टाइफाइड जल्दी पकड़ा जाता है तो इसका इलाज सफलतापूर्वक एंटीबायोटिक दवाओं के साथ किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो टाइफाइड बुखार घातक हो सकता है। यह एक गंभीर बीमारी है जो कि साल्मोनेला एंटरिका सीरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होती है। यह साल्मोनेला पैराटिफी नामक जीवाणु के कारण भी हो सकती है। यह जीवाणु मनुष्य की आंतों और रक्त प्रवाह में रहता है। टाइफाइड किसी संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ सीधे संपर्क में आने से दूसरे व्यक्तियों के बीच फैलता है, मतलब कि बैक्टीरिया द्वारा दूषित भोजन खाने या दूषित पानी पीने से होता है। ऐसा किसी संक्रमित जल स्रोत के माध्यम से हो सकता है। तीव्र बीमारी वाले लोग मल के आसपास के पानी की आपूर्ति को दूषित कर सकते हैं। पानी की आपूर्ति दूषित होने से भोजन की आपूर्ति दूषित हो सकती है। यह बैक्टीरिया पानी या सूखे मल में कई सप्ताह के लिए जीवित रह सकता है। कोई भी जानवर इस रोग को नहीं फैलाता है, इसलिए हस्तांतरण हमेशा एक इंसान से दूसरे इंसान तक होता है। दूषित भोजन या पानी के द्वारा शरीर में घुसने के बाद साल्मोनेला बैक्टीरिया छोटी आंत पर आक्रमण करता है और स्थायी रूप से खून में प्रवेश करता है। बैक्टीरिया लिवर, स्प्लीन तथा बोन मैरो में सफेद रक्त कोशिकाओं द्वारा पहुंचाए जाते हैं, जहां वे मल्टीप्लाई होते हैं और दोबारा रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। इस समय लोगों में बुखार सहित अन्य लक्षण विकसित होते हैं। जीवाणु गॉल ब्लैडर, बाइलरी सिस्टम और बॉवल के लिम्फेटिक टिश्यू पर आक्रमण करते हैं। यहाँ वे भारी संख्या में विकसित होते हैं। बैक्टीरिया इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गुजरता है और मल के नमूनों में पहचाना जा सकता है। यदि एक परीक्षण के परिणाम स्पष्ट नहीं है तो डायग्नोस करने के लिए रक्त या मूत्र के नमूने लिए जाएंगे। टाइफाइड बुखार के लक्षण आमतौर पर बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 6 से 30 दिनों के बाद शुरू होते हैं। टाइफाइड के दो प्रमुख लक्षण हैं, बुखार और रैश होना। टाइफाइड बुखार नियमित रूप से 104 डिग्री फारेनहाइट तक पहुंचता है और रैश, जो कि हर रोगी को नहीं होता, गुलाब के रंग का स्पॉट होता है, जो विशेषकर गर्दन और पेट पर होता है। अन्य लक्षणों में अपर्याप्त भूख, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज और सिर दर्द शामिल हो सकते हैं, और जो लक्षण शायद ही कभी होते हैं उन लक्षणों में भ्रम, दस्त और उल्टी शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह सामान्य रूप से गंभीर नहीं होते। गंभीर और उपचार ना किए गए मामलों में बॉवेल छिद्रित हो सकता है। यह पेरिटोनाइटिस का कारण बन सकता है, जो कि एक उत्तक का संक्रमण है, जो वास्तव में बहुत गंभीर हो सकता है। टाइफाइड के लिए एकमात्र प्रभावी उपचार एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक दवाइयां साल्मोनेला बैक्टीरिया को मारती हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग से पहले मृत्यु दर 20% थी। यह मृत्यु भारी इन्फेक्शन, निमोनिया, आंत रक्तस्राव या आंतों के छिद्रित होने से होती थी। एंटीबायोटिक दवाइयों और सहायक देखभाल के साथ मृत्यु दर 1-2% तक घटा दी गई है। उचित एंटीबायोटिक थेरेपी के साथ आमतौर पर 1-2 दिन के भीतर इम्प्रूवमेंट होती है और 7-10 दिनों के भीतर रिकवरी होती है। अधिक गंभीर मामलों में जहां बॉवेल छिद्रित हो गया हो, सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि टाइफाइड बुखार के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप सेहत से जुड़े विषयों के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सेहत से जुड़े विषयों के ऊपर ही वीडियोस बनाता हूं। और बेल का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।